हेलो एवरीवन, मैं बिंदु, हमारे चैनल बिंदु ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें। आप सब खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। और यहाँ देखिए, ये रुद्रा मेरा क्या कर रहा है, इसका छाता ना पिछले साल, ओ बाबू तीली निकल गई, इधर आओ इधर आओ, ये पिछले साल का है। अभी इनको छाता की याद आई, बोले मम्मी हमें छाता चाहिए, तो हमें भी याद आया कि इनका छाता है पुराना, इनका मैं दे देती हूँ निकाल के। इसको देखिए ना, ये इसी में से ना ये निकल गया। ये लो, हो गया, ले लो ये अपना छाता लेके मस्त है। हम चाय लेके बैठ, चाय बना के लेके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे सिंगदाना, जो सिंगदाना बचा था ना, आज हम फिनिश कर रहे हैं, उसे भी मैं खत्म कर देती हूँ। क्या रखूँ मैं, देखो मेरे मेरे प्लेट से ना, मेरे प्लेट से मिर्ची निकाल के बाहर कर दिया। मैं सिंगदाना खाती हूँ ना, साथ में मिर्ची भी खाती हूँ, उससे क्या होता है थोड़ा सा मन साफ हो जाता है हमारा ना। मिर्ची बिना चलता नहीं, अगर मिर्ची नहीं लेती ना तो ऐसा लगता है मेरा ये हाथ जो है ना सर टपक रहा है मिर्ची पकड़ने के लिए, काटने के लिए। क्या मैं खिला रहे हूँ, कल रात को ना ढेर सारा संगदाना इसने गिरा दिया था नीचे। अभी टाइम देखिए, 1:15 हो गया। और बारिश के मौसम में ना जब तक रहता है ना, हमें इतनी आलस आती है, नींद आता है कि क्या बताओ। एक तो कोई गार्जियन नहीं है ना, ना तो कन्हैया है, ना तो मम्मी पापा इधर है, कोई गार्जियन नहीं है कि जिसके वजह से मतलब करना पड़े। रही बात बच्चों की, बस टिफिन बना दिए, बच्चे स्कूल चले गए तो काम ही क्या है। एक बार चलो झाड़ू पोछा नहीं करते कोई बात नहीं, आराम से ना बिंदास सोते हैं। तो ना मेरा बस यही हो रहा है इस समय आजकल, जब से बारिश हो रही है ना 4-5 दिन से, तब से ना मेरा यही नाटक चल रहा है कि हमें ना काम करने का मन नहीं कर रहा। इसीलिए ना मेरा सब काम लेट हो जाता है। अभी तो आज एक हफ्ते से मैं वीडियो भी अपलोड करती हूँ, करते करते 8:30 बज जाता है, पता नहीं मैं क्या काम करती हूँ। जब सुबह सोने के उठने के बाद फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ ना, तो यही सब होता है मेरे साथ, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है मेरा। मैं चढ़ रही हूँ ना खाना बनाने, खाना तो बना, चावल बन गया है, दाल नहीं बनाऊंगी मैं, बना लूँ क्या थोड़ा सा, हो सकता है, देखते हैं पहले क्या करते, पहले तो चाय पी लूँ मैं। ये देखिए मेरा बेटा मुंह में ना ढेर सारा सिंगदाना ना लेता है, डालता है और खाता नहीं। अभी दे मेरा हाथ लेके पकड़ के ना ऐसे मेरे हाथ पे नहीं गिराएगा मुंह से, वही मैं डांट रही हूँ, फिनिश कर, नहीं गंदी बात, फिनिश कर, फिनिश कर। लेकिन ना आप मुंह में से चलाते रहेंगे, इधर उधर करते रहेंगे, निकलेगे नहीं, मुंह में ठूस के बैठे आकर बाबू देखो मुंह में भरा हुआ है, उसे फिनिश कर देना, निकालना नहीं। चलिए चलते हैं बनाने दे खाना। खाना क्या बनाऊँ, समझ नहीं, रोज वही सब्जी दाल चावल सब बना चुकी हैं, चल रहे हैं ना, कुछ सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। ये क्यों खा रहे हो, वो मत खाइए, ये ना पीछे पड़ गए उसके, ये ना अंदर से मेरा डब्बा सूख गया है। मैं इसको ना अभी यहाँ रखूंगी, अच्छे से सूख जाए बाहर से भी, तब बाबू आ जाइए। उसे मत खाइए बेटा, उसे फूलने दीजिए ना। यहाँ पे ना मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, प्याज का भरवा मैं बनाऊंगी। गैस पहले मैं ऑन कर दूँ। और यहाँ पे हम प्याज छील लिए हैं, और इसमें ना मैं कट लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। अगर ज़्यादा लगाऊंगी ना तो ये अलग हो जाएगा। ऐसे करके ना इसमें मैं डाल दूंगी, और इसमें डालूंगी मैं पानी। तेल मसाला बहुत नुकसान कर रहा है अभी हमको। ये देखिए ये कट लगा के ना हम रख दिए हैं, और इसे ये देखिए छाला जो पड़ा था ना उस दिन बनाई थी ना मक्के की सब्जी सुबह सुबह नींद में, तो ये मेरा जल गया था। अभी घाव हो गया ना, बड़ा दर्द होता है, बर्तन उर्तन धोने में दिक्कत होती है। ये देखिए हम कट लगा के रखे हैं, और ये ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हम कट लगाए हैं, ज़्यादा नहीं तो ये ना पानी में उबलते समय भी ना ये सारे इसके ना निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसमें डालूंगी ना मैं हल्का सा नमक, और इसको इतना उबालूंगी कि थोड़ा सा ना ये सॉफ्ट हो जाए।
मैं ऐसा एक दो बार बनाई हूँ ना, इसलिए बना रही हूँ। कभी जैसे होता ना तेल मसाला खा खा कर जान उब जाता है ज़्यादा। इसको ना पकाने में तेल बहुत लगता है, और मेरा वेट तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैं इतनी हल्की हूँ कि क्या बताऊँ, मैं वेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो थोड़ा तेल मसाला से ना मैं बचना चाहती हूँ। तो कभी कभी जब मैं बनाती हूँ इसे ना प्याज का भरवा, तो तेल कम लगता है ऐसे उबालने पर। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसमें आधा चम्मच में नमक डाल के रख देती हूँ, तब तक ये सॉफ्ट हो। इसमें जो भरना है बनाना है मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना हम थोड़ा सा लिए जीरा, बाबू ने मिक्स कर दिया, और ये जीरा है थोड़ा सा, तीन चार लाल वाली मिर्च है, थोड़ी सी धनिया है। इसको ना मैं भूनूंगी, ये ज़्यादा ब्राउन मैं नहीं करूँगी, बहुत हल्का समय भूनूंगी उसी में ना। उसके बाद मैं इसमें ना थोड़ा सा ये पंचफोरन है ना, उस इसे भूनने के बाद ना इसमें ये पंचफोरन भी मैं भून लूँगी। अभी मैं उसके साथ नहीं भूल रही हूँ, क्योंकि इसमें मेथी रहता है ना, मेथी अगर हल्का सा भी रचा है, कच्चा पर रहता है ना, तो बड़ा अजीब लगता है खाने में, बहुत अजीब टेस्ट आता है इसका। इसको मैं ब्राउन करके भूनूंगी। ये देखिए धनिया, जीरा और मिर्ची ना भुन गई है, ये थोड़ा ज़्यादा भुनी है, आप लोग अगर भुना तो थोड़ा सा कम भुना, क्योंकि ये देखिए चावल का डब्बा लेके कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। इसको पकड़ने के चक्कर में ना मेरा थोड़ा सा ज़्यादा लाल हो गया, और इसमें हम डाल दिए ना ये पंचफोरन। पंचफोरन तो थोड़ा ब्राउन ही करना है, क्योंकि इसमें कच्चापन बहुत आता है ना मेथी से। ये भी हो गया। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा लहसुन ले लिया छिलके, और थोड़ी सी अदरक। इसको ना मैं अच्छे से कूट लूँगी इसी में, और ये सब ना मैं पीसती हूँ। नाखून में चिपका जा रहा है। इसमें हम रखें ना थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और एक चम्मच है सफ़ेद वाली तिल। इसको ना मैं एक साथ में पीस लेती हूँ मिक्सी जार में। यहाँ पे ना मेरा प्याज एकदम सॉफ्ट हो गया है, गैस मैं बंद कर देती हूँ। इसको भी निकाल के रखूँगी मैं ठंडा होने के लिए। ये देखिए इसमें लिए हम एक चम्मच गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट है ये, हम खून लिए अच्छे से, और ये पंचफोरन और धनिया जीरा ये जो था वो मिर्ची, ये सब पीस लिए हैं। इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। यहाँ पे हम थोड़ी सी हल्दी भी लिए। अब इन सबको ना नाप स्वाद अनुसार नमक डाल, इसमें भी नमक डाल के हम उबालें। अभी ये गर्म है, इसमें ना हल्का सा थोड़ा सा नमक डाल के ना मैं मिला लेती हूँ, मिला के ना इसमें भरूँगी। और ये देखिए जिस जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा कट लगा है ना, देखिए कैसे अलग हो रहा है ना। ये देखिए अच्छे से मिला लिए हैं। इसमें ना थोड़ा सा मैं सरसों का तेल का मोयन भी दूंगी। ये अच्छे से मिल गया है, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सरसों का तेल। अब इसको ना मैं इसमें भरूंगी आराम आराम से, कोई ऐसे मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है, नहीं तो मैं आप सबको भरते हुए दिखाती, तो मैं इसको भर के ना दिखाती हूँ आप सबको। यहाँ पे मेरी कढ़ाई हो रही है गर्म, तेल हो गया है गर्म, और ये भी देखिए हम भर के रख लिए। दो तीन में ना ज़्यादा कट लगा है, तो देखिए गरम मतलब गरम पानी में करने के बाद ना ये अलग हो गया है। और ये ना अगर गरम पानी में ना उबालो, सिर्फ मतलब ऐसे कच्चा ही काट के जब भरो ना, तो ये बहुत अच्छे से भर जाता है। ये तो हमें तेल मसाला कम खाना है, तो इसलिए हम इसमें रख दिए हैं। इसको ना ब्राउन होने तक मैं बना लूँगी। इसमें तो सब पका ही है, बस ब्राउन करना है। बाबू बहुत परेशान कर रहा है। टूथपिक भी अगर लगा देंगे ना तो ये अलग नहीं होगा, लेकिन मैं टूथपिक नहीं लगा रही हूँ, पता नहीं सृष्टि ने कहाँ रखा था, ढूंढूंगी नहीं मैं, ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे ना छोटे वाले कुकर में हम दाल भी चढ़ा दे रहे हैं। मैं थोड़ी सी रोटी है, सुबह ढक्कन नहीं लग रहा, सुबह काटा बचा ना बच्चों के टिफिन से। बाबू ना मेरी गोदी में है अभी इस समय, इसको ना धीरे धीरे हम पलट देंगे। क्या बाबू घीचो मत, घीचो मत, जल जाओगे। ये ना रो रहे हैं, इनके ना पेट में दर्द हो रहा है, इनका पेट साफ नहीं हो रहा है ना, इसलिए परेशान है।
अभी आ जाए बच्चे ना तो मैं चार फाटे भी जाऊंगी लॉन्गिन के लिए दवाई। एविक्ट करके है ना, उसको पीते हैं लेकिन ना पता नहीं क्यों आराम ही नहीं होता। ये देखिए प्याज की कलौंजी हमारी बन गई है। और ये नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कट लगा था ना, ये अलग हो गया है, ये वाला और ये वाला। तो कैसी लगी हमारी प्याज की कलौंजी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ये देखिए एकदम ब्राउन हो गई है, ये साइड से भी, इधर से भी और इधर से भी, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। हम कम तेल डालने की वजह से पानी में उबाल के बनाए हैं। अगर इसको ना बिना पानी में उबाले बनाएंगे सिर्फ तेल में ना तो और वो भी अच्छी लगती है। हमें नुकसान कर रहा है इस समय ना, हम तेल वेल बहुत कम खाना चाह रहे हैं। इसकी रेसिपी आप सबको बीबी क्रिएशन पे भी देखने को मिलेगी और बिंदु ब्लॉग पे भी मिलेगी यही रेसिपी। तो बाबू कर रहा है हमें परेशान, हम इस ब्लॉग का ना यहीं पे करेंगे एंड। मिलते हैं।